सबसे बड़ी योजना जो आज की क्लास की लास्ट योजना है, ठीक है ना, चलो अपन ने करी करी लिया, और उस योजना का नाम है जिस पर सवाल आपसे पूछना लगभग लगभग तय है, क्योंकि ये नगर पालिकाओं में इस पर सबसे ज्यादा काम होगा। जैसे आप अधिशासी अधिकारी वगैरह बनेंगे तो यहाँ पर आपको खूब सारा जो है काम करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है ना, खूब सारा काम करने का मौका भी मिलेगा। उस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। पहले अगर आपने देखा होगा तो एक योजना चलती थी अपने किसी जमाने में जिसको कहते थे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कि भाई हमें शहरों में लोगों को रोजगार देना है। शहरों में क्या देना है? रोजगार देना है। रोजगार देंगे तो उनका भी घर ठीक से चलेगा, शहरों में बेरोजगारी कम हो जाएगी। 2014-15 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और ये राजस्थान के कितने जिलों में शामिल है? तो देखो राजस्थान के 133 तो जिलों में जिला मुख्यालय, 33 तो जिला मुख्यालयों में लागू है। इसके साथ साथ में 7 हमारे और शहर शामिल किए गए, जैसे एक शहर शामिल किया गया किशनगढ़, एक ब्यावर, एक भिवाड़ी, एक इंडोन सिटी, एक गंगापुर सिटी, एक सुजानगढ़ और एक मकराना। टोटल मिला के राजस्थान के 40 हो गए। भाई 33 तो जिले और 33 जिले पूरे शामिल नहीं है, क्योंकि ये मिशन कौन सा है? शहरी मिशन है, समझ लो। ये कौन सा मिशन है? अर्बन है। नाम क्या दे रखा है इन्होंने? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये केवल शहर में, तो यानी कि 33 जिलों के हमारे 33 शहर जो है, जैसे करौली सिटी, करौली जिला नहीं है, करौली सिटी, जालौर शहर, जयपुर शहर मानो आप, जयपुर शहर, तो ये तो हमारे 33 जिला मुख्यालय, नाम बड़ लिखा है ना मुख्यालय। इसके साथ में 7 हमारे कुछ स्पेसिफिक सिटीज शहर शामिल किए गए। ये 7 कौन कौन से हैं? एक किशनगढ़, एक ब्यावर, एक भिवाड़ी, एक इंडोन सिटी, एक गंगापुर सिटी, सुजानगढ़ और मकराना। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? टोटल मिला के हो जाते हैं 40। तो ये राजस्थान, ये आएगा आपसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान के कितने नगरीय निकायों में लॉन्च किया गया? तो याद रखना 40। कितने? 40 में लॉन्च किया गया है, 33+7। फंडिंग रेशियो वही है, 40% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। काम क्या किया जाएगा? अब इसमें बहुत सारे घटक है। देखो एक तो इनमें काम किया जाएगा कि अच्छा एक चीज, सर इसमें शहरों के क्या सभी लोग शामिल है? नहीं, शहरों के सभी लोग शामिल नहीं है। एक तो केंद्र की बीपीएल की लिस्ट है, ध्यान से सुनना, एक तो केंद्र की बीपीएल लिस्ट है। तो केंद्र की बीपीएल लिस्ट में जो लोग आते हैं वो आएंगे। फिर एक है राज्य की बीपीएल लिस्ट, राज्य की बीपीएल लिस्ट में जो लोग आते हैं वो लोग आएंगे। और तीसरी कैटेगरी हमारे शहरी गरीब, क्या नाम है? शहरी गरीब। शहरी गरीब कौन होंगे? भाई वो किसी भी कास्ट का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, अगर उसकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ईयरली इनकम जो है वो वार्षिक इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है, तो वो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो ग्रामीण शहरी जो आजीविका मिशन है उसमें शामिल हो जाएगा। तो कैटेगरी 3 है, ध्यान रखना। एक तो केंद्र की बीपीएल के लिस्ट वाले आ जाएंगे, शहरों की बीपीएल के लिस्ट वाले आ जाएंगे, और आपके आ जाएंगे शहरी गरीब। शहरी गरीब में कोई भी हो सकता है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का, अगर उसके पास में 3 लाख रुपए से कम अगर वो कमाता है, ऐसा सर्टिफिकेट है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। सर इस योजना में क्या क्या काम किया जाएगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखो, ये क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, ठीक है ना। अच्छा ये राजस्थान के कितने निकायों में लागू है? तो ये राजस्थान के 196 नगरीय निकायों में जो है ये इनका कहने का मतलब है कि 196 नगरीय निकायों में इसके कुछ घटकों को लागू किया गया है, ठीक है ना। इसमें ये सारे सारे काम किए जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे काम किए जाएंगे जो आपको ध्यान में रखने। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि एक तो शहरी आजीविका केंद्र बनाया जाएगा, सिटी लाइवलीहुड सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। कितने ऐसे शहर जिसमें 3 लाख से कम जनसंख्या के लोग है, तो उसमें प्रत्येक शहर में एक होगा। 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाला अगर कोई शहर है तो उसमें आपके होंगे 2 शहरी आजीविका केंद्र होंगे, जहां पर लोग जाएंगे, रोजगार मांगेंगे और उसको कुछ रोजगार वहां दिया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर है तो वहां पर 3 होंगे, और 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या वाले अगर है तो वहां पर 8 जो है वो आपके शहरी आजीविका केंद्र बनेंगे। ये सुमेलित करने के लिए आपको दे देंगे। अब सर इनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो काम किया दिया जाएगा, तो कहा कि एक रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। इस रिवॉल्विंग फंड के तहत अगर देखो इन्होंने क्या काम किया है कि एक तो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप है शहरों में, 5-4 लोग शहरों पर मिलकर कोई काम धंधा खड़ा कर रहे हैं, तो उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे इस फंड से खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए।
लेकिन तब दिए जाएंगे जब 70% उसमें क्या हो, बीपीएल लोग हो, पहली तो ये। फिर अगर वो रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर क्या हो वो रजिस्टर्ड अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50,000 रुपये, ताकि वो खुद का व्यवसाय शुरू करते। पीडीएफ में देख लोगे आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 10,000 और 50,000 रुपये का हिसाब हो गया। इसके अलावा लोगों को कुशल बनाना है, शहरी लोगों को, तो 15,000 रुपये उनको स्किल के नाम पर भी दिए जाएंगे। अगर वो अपना छोटा सा व्यवसाय खड़ा करने के लिए जा रहे हैं स्वरोजगार, तो व्यक्ति है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है बड़ा है तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है।